लास्ट वीक हमने चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट किया था. इट वॉज रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी. नाउ द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी एज वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर एज वेल, कि जब हम रिजिड बॉडी की बात करते हैं तो चूंकि रिजिड बॉडी हम डिफाइन करते हैं एक ऐसी बॉडी विच इज इनकेपेबल ऑफ एनी डिफॉर्मेशन, बट इट हैज सम साइज, और साइज को देखते हुए उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखते हुए उसका वेट वहाँ एक्ट करता है. तो जब भी हम रिजिड बॉडी की बात करते हैं, इन ऑर्डर टू अप्लाई द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन दैट रिजिड बॉडी, देयर शुडंट बी एनी अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन दैट रिजिड बॉडी. सिमिलरली देयर शुडंट बी एनी अनबैलेंस्ड मोमेंट एक्टिंग ऑन दैट रिजिड बॉडी एज वेल. इन अदर वर्ड्स, वो जो रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में उसी वक्त कहलाती है अगर वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है. उसके बाद हम अपने पहले मेजर टॉपिक पे आए थे इस चैप्टर के, विच इज इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी इन टू डायमेंशंस, इन विच वी कंसिडर्ड अ रिजिड बॉडी विच इज बीइंग एक्टेड अपॉन बाय अ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम. उस रिजिड बॉडी पे जो जितनी भी फोर्सेज एक्ट कर रही थी, दे ऑल दोज फोर्सेज वर एक्टिंग विद इन अ प्लेन, और जितनी भी मोमेंट्स थी दे आर बेसिकली एक्टिंग परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन. उसमें फिर हमने सबसे पहली बात की थी फ्री बॉडी डायग्राम की, कि किसी भी रिजिड बॉडी की जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो यू नीड टू आइसोलेट दैट रिजिड बॉडी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स. आइसोलेशन से क्या मुराद है, कि यू नीड टू कट ऑफ दैट रिजिड बॉडी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, जहां जहां से वो सराउंडिंग्स के साथ कनेक्टेड है आप उन कनेक्शंस को रिमूव करते हैं. नाउ वंस यू आर रिमूविंग दोज कनेक्शंस, उस हर कनेक्शन को रिमूव करने के नतीजे में यू आर गोइंग टू गेट सम रिएक्शन फोर्स. तो आप अपनी फ्री बॉडी डायग्राम पे वो तमाम के तमाम एक्टिव फोर्सेज जो कि आपके अप्लाइड फोर्सेज होती हैं, रिएक्शन फोर्सेज जो कि कंस्ट्रेंट्स के नतीजे में आपके पास आ रही होती हैं, और वेट को अपनी उस फ्री बॉडी डायग्राम पे जो है वो शो करते हैं. देन वंस योर फ्री बॉडी डायग्राम इज कंप्लीट, देन इन द नेक्स्ट स्टेप यू आर गोइंग टू अप्लाई द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन दैट रिजिड बॉडी. नाउ एज फार एज द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर कंसर्न, जिस तरह भी हमने बात की थी रिजिड बॉडी की, जब हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करते हैं तो देयर शुडंट बी एनी अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी, एज वेल एज देयर शुडंट बी एनी अनबैलेंस्ड मोमेंट एक्टिंग ऑन दैट रिजिड बॉडी. अब इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए, अगर आपको याद हो, वी स्टडीड थ्री डिफरेंट सेट ऑफ इक्वेशंस. द मोस्ट कॉमनली यूज सेट ऑफ इक्वेशन विच वी डिस्कस लास्ट टाइम वॉज के उस रिजिड बॉडी के ऊपर आप समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, और समेशन एम इक्वल टू जीरो अप्लाई कर देंगे. सो दिस इज द फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन, जिसमें दो फोर्स समेशन और एक मोमेंट समेशन आप कर रहे हैं. या तो वो रिजिड बॉडी इन तीन इक्वेशंस को अगर सेटिस्फाई करे तो आप कह सकते हैं कि दैट रिजिड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. देर आर टू ऑल्टरनेट सेट ऑफ इक्वेशंस एज वेल. वो दो ऑल्टरनेट सेट्स क्या हैं, कि आप चाहें तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, इसी तरह समेशन एम ए इक्वल टू जीरो, और समेशन एम बी इक्वल टू जीरो जो है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस इज द सेकेंड सेट ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. अगर आप चाहें तो कुछ प्रॉब्लम्स पे, अगर आप बेहतर समझते हैं कि मोमेंट्स के सम करने से आपको ज़्यादा आराम से अननोन रिएक्शन फोर्सेस मिल सकती हैं, तो आप ये सेट ऑफ इक्वेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. पहले सेट में क्या है कि दो फोर्स इक्वेशन और एक मोमेंट इक्वेशन आप सम कर रहे हैं. सेकेंड सेट में आप एक फोर्स इक्वेशन और दो मोमेंट इक्वेशन जो है वो यूज करते हैं उस रिजिड बॉडी के ऊपर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सपोर्ट रिएक्शंस. The third set of equations, which is again very rarely used, is that कि आप बजाय force equation use करने के आप तीन different points जो कि collinear nouns rigid body के ऊपर आप उनके along जो है वो moment find कर सकते हैं. That is summation ma equal to zero, summation mb equal to zero, and summation mc equal to zero, where points a, b and c does not lie along the same line. तो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स उस रिजिड बॉडी के जो हैं उसके ऊपर आप ये समेशन एम अप्लाई कर सकते हैं तीन डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर ए बी सी. सो दीज आर द थ्री डिफरेंट सेट ऑफ इक्वेशंस, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, जो कि आपने उस रिजिड बॉडी के ऊपर अप्लाई करके उसके डिफरेंट सपोर्ट रिएक्शंस जो है वो डिटरमिन करने. द मोस्ट कॉमनली यूज, जिस तरह पहले भी जिक्र हुआ था लास्ट लेक्चर में, कि मोस्ट कॉमनली आप इस पहले सेट को ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे. प्रोबेबली शायद 99% प्रॉब्लम्स पे आप इसी सेट को इस्तेमाल कर रहे होंगे, कि समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई और समेशन एम. लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, सिचुएशन को देखते हुए आप एक फोर्स, दो मोमेंट या तीनों मोमेंट इक्वेशन भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. आज के लेक्चर में अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल 5-5 सॉल्व की थी, आज हम पहले घंटे में
कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स इसी टॉपिक से रेलेवेंट सॉल्व करेंगे, और सेकेंड आवर में हम टू एंड थ्री फोर्थ मेंबर्स के हवाले से बात करेंगे, और फिर हम कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स की जो है वो जिक्र करेंगे। सर जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, सर एबीसी सर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉइंट्स है ना बेसिकली? जी, उस रिजिड बॉडी, उस रिजिड बॉडी के ऊपर कोई से तीन पॉइंट्स हैं जो कि एक लाइन में लाई ना करते हो। ठीक है सर। ओके, नाउ कमिंग टू टुडेज लेक्चर, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने बहुत ज्यादा फोकस किया था इन दो रूल्स के ऊपर कि जब भी आप सपोर्ट रिएक्शंस जज करने जाते हैं तो दीज आर द टू रूल्स विच शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड व्हाइल डिसाइडिंग अबाउट द सपोर्ट रिएक्शन। ये दो रूल्स क्या है, क्विकली इसको देखते हैं और फिर हम आज के लेक्चर पे जो है वो मूव करेंगे। ये दो रूल्स कहते हैं कि इफ अ सपोर्ट प्रिवेंट्स द ट्रांसलेशन ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन देन अ फोर्स इज डेवलप्ड इन द बॉडी इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी अगर आपके पास कोई सपोर्ट रिएक्शन है वो किसी एक्सिस के लॉन्ग ट्रांसलेशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो जब आप उस सपोर्ट को रिमूव करेंगे आपको रिएक्शन के तौर पे एक अदद फोर्स मिल जाएगी उस एक्सिस के अलॉन्ग जिसके अलॉन्ग ट्रांसलेशन रेस्ट्रिक्ट की जा रही है। इसी तरह सेकंड रूल क्या कहते हैं, इफ द रोटेशन इज आल्सो प्रिवेंटेड, कि अगर किसी एक्सिस के अलॉन्ग कोई सपोर्ट रोटेशन को भी प्रिवेंट कर रहे तो जब आप उस सपोर्ट को रिमूव करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट अ कपल मोमेंट बींग एक्सर्टेड ऑन द रिजिड बॉडी। तो जब कोई ट्रांसलेशन रेस्ट्रिक्ट हो रही होगी रिएक्शन के तौर पे फोर्स मिल जाएगी, जब कोई रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो रही होगी तो रिएक्शन के तौर पे एक अदद कपल मोमेंट मिलेगा। इन दो रूल्स को आपने याद रखना है व्हाइल ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम। जब आप जो आप सपोर्ट को रिमूव करते जाएं आपने देखना है कि ऑल्दो वो 10 तरह की सपोर्ट हमने पिछले लेक्चर्स में देखी थी, लेकिन जैसा मैंने कहा था उनको जबानी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि कौन सी सपोर्ट किस मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर रही है, ताकि अकॉर्डिंगली इन्हीं दो रूल्स के हिसाब से आप जो है वो सपोर्ट रिएक्शंस जो है अपनी फ्री बॉडी डायग्राम पे इंक्लूड कर सकें। आई होप कि ये दोनों रूल्स हर एक को क्लियर होंगे।